गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ओडिशा रेलवे स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ा एचसीएफ एंड एलसीएम। तो फर्स्ट हम जानवा फैक्टर का कहा जाए। द फैक्टर इज अ नंबर व्हिच डिवाइड्स परफेक्टली अनदर नंबर। तर गोटे एग्जांपल नबा सिक्स। सिक्स इज अ नंबर व्हिच इज परफेक्टली डिवाइड अनदर नंबर हूँ 42। तो सिक्सटा 42 को परफेक्टली डिवाइड कर सिक्स है फैक्टर आ 42 है सिक्स र मल्टीपल। जमी आउ गोटे एग्जाम्पल रहा थ्री थ्री 21। तो थ्री हूँ फैक्टर ऑफ 21 और 21 है मल्टीपल आ 21 आउ गोटे फैक्टर हूँ 7। तो या मैंने फैक्टर कौन हूँ ना फैक्टर इज ए नंबर व्हिच इज परफेक्टली डिवाइड्स अनदर नंबर। तो ये सिक्स हम कौन ना फैक्टर 42 हम सिक्स मल्टीपल। तापर आम जी एचसीएफ कह कहे ना एचसीएफ कह कहे ना एचसीएफ हूँ हाएस्ट कमन फैक्टर बा हाएस्ट कमन डिवाइजर जोटा ओडिया कहुए गस आगु। तो एचसीएफ रो डेफिनेशन कौन ना एचसीएफ रो डेफिनेशन हूँ ए ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच इज डिवाइड्स परफेक्टली टू और मोर नंबर। ए ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच इज डिवाइड परफेक्टली टू और मोर नंबर धर एग्जांपल ऑफ सिक्स। तो आम सिक्स 15 आउ 18 रो एचसीएफ काढ़िया। तो ये तीन जन जाक एक्जाक्टली परफेक्टली क्या द्वारा डिवाइड रोज ना तीन द्वारा। तो तीन जन सिक्स तीन गले टू 15 रो 5 18 रो 6। तो ये थ्री हूँ एचसीएफ ऑफ सिक्स 15 एंड 18 एचसीएफ। जिते आम धर आम ना 9 गोटे 9 आउ 11 9 आउ 11 रचसीएफ एचसीएफ कौन हम ना 1 हम। जिते आम धर ये 11 हूँ एक प्राइम नंबर 9 सीना आम डिविजिबल हूँ 3 कि 11 केवल डिविजिबल 11 आ 1 रे। तो जिते आम को प्राइम नंबर नवा दीटा तो सदा बड़े को प्राइम नंबर रचसीएफ कौन हम ना 1 हम। सदा बड़े को प्राइम नंबर रचसीएफ 1 हम। तो 7 आ 5 रचसीएफ भी 1 हम। तो आम देखिया तो प्राइम नंबर अनुसार केमती एचसीएफ कढ़ा हो। तो प्राइम नंबर अनुसार कम थोड़ा एग्जांपल नवा आम 42 धर एग्जांपल ने आम 42 तो 42 को प्राइम नंबर रे भाग करिया 2 7 आउ 3 आउ गोटे 70 2 इंटु 7 इंटु 5। तो एम कमन कौन अच्छी ना 2 कमन अच्छी आउ 7 कमन अच्छी। तो एम एचसीएफ कौन हम एचसीएफ इजिक्वल टू 2 इंटु 7 इजिक्वल टू 14। तो प्राइम नंबर अनुसार एमती एचसीएफ एंड एलसीएम बाहर। तो आम देखीदे एचसीएफ क्या कह जाए ना एचसीएफ हूँ एचसीएफ आम क्या कह जाए ना एचसीएफ हूँ तो एचसीएफ हूँ ए ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच इज परफेक्टली डिवाइडेड टू और मोर नंबर। दिस नंबर इज कॉल्ड एज द एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर। तेज आम देखिए एलसीएम क्या कह जाए तो एलसीएम एलसीएम रो फुल फॉर्म हूँ लिस्ट कमन मल्टीपल। एलसीएम मान हूँ लॉस आगु। तो एलसीएम रो डेफिनेशन हूँ ए लिस्ट मल्टीपुलर बा ए लिस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय टू और मोर नंबर। धर गोटे एग्जांपल नवा 30 30 हूँ लिस्ट नंबर ई क्या क्या सहित डिविजिबल हे 33 द्वारा डिविजिबल हे 35 द्वारा डिविजिबल हे 36 द्वारा डिविजिबल हे 30 10 द्वारा डिविजिबल हे 30 15 द्वारा डिविजिबल हे। तो
टी हूँ लिस्ट नंबर कह रहा 3, 5, 6, 10 आउ 15 रो। तो हमें देखिए प्राइम नंबर रे केमती एलसीएम बाहर तो प्राइम नंबर अनुसार तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है कौन ना 8, 12, 15 और 21। तो 8 रो 8 की प्राइम नंबर अनुसार कले 2 to the power 3 12 हम 2 to the power 2 into 3 15 हम 3 into 5 21 हम 3 into 7। तो ये आम एलसीएम काढ़ एलसीएम कौन हम ना एलसीएम हम कॉमन लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आम देखिया जो जो प्राइम नंबर हाईएस्ट पावर प्राइम नंबर हाईएस्ट पावर थी से मैंने ही जी एलसीएम रे। तो फर्स्ट ये 2 अच्छी प्राइम नंबर आमर तो 2 रो हाईएस्ट पावर के 3 ये जीव 3 5 7। तो यार एलसीएम हम के 8 × 5 = 40, 7 × 3 = 21। तो जब यहाँ 840। तो आउ थे आम देखीद एलसीएम क्या कहते एलसीएम इज ए लिस्ट नंबर हुई इज डिविजिबल बाय टू और मोर नंबर। एलसीएम है डिविजिबल हम एलसीएम एचसीएफ हूँ डिवाइजर हम। तो आम देखा डेसिमल नंबर केमती एच सी एफ और एलसीएम बाहर। तो फर्स्ट आम डेसिमल नंबर एच सी एफ काढ़िया एच सी एफ काढ़िया। तो एग्जांपल कौन कौन ना धर 16.5, 0.45 आउ गोटे 15। तो इम एच सी एफ बाहर। तो फर्स्ट आम मानने जीटा पॉइंट थी पॉइंट आगे उठेगा तो ये हाएस्ट के अंक छाड़ी पॉइंट अच्छी ना 2 अंक 2 अंक छाड़ी। तो फास्ट पॉइंट उठिले के 2 अंक ही हमें छाड़ के पॉइंट उठे तो 1650 45 1500। तो इम एच सी एफ आम काढ़ तो फास्ट 15 जीवे 15 के 15 ये 110 3 45 100। तो ये एच सी एफ हम एच सी एफ हम 15 आमर बाहर 15 किंतु आम दीटा पॉइंट ई करके आम आंसर मान दीटा पॉइंट काढ़ आम नॉर्मल मान नॉर्मल नंबर करते तो ये दीटा पॉइंट दे 15 तो ये हम 0.15। तो डेसिमल नंबर फर्स्ट आम डेसिमल को डेसिमल हटे सिंपल नंबर करवा जी पॉइंट आम दशमिक हटे तो आम एच सी एफ बाहर सारापर से पॉइंट आम छाड़ी दशमिक दवा। तो आम देखा एलसीएम एलसीएम ऑफ डेसिमल नंबर। तो एलसीएम आमर केमती बाहर धर एग्जांपल नंबर 0.6, 9.6 और 0.36। एटी पॉइंट पर दीटा अंक अच्छे तो दीटा अंक रु ही पॉइंट उठेगा तो ये 0.6 दीटा अंक छाड़ी उठे के 60 ये 960 तो ये 36 तेरे एलसीएम गले एलसीएम फास्ट कौती जो ना 6 10 1 16 6 1 8 3 8 3। तो यार हमें कौन कौन आसला एलसीएम फर्स्ट देखा एलसीएम कौन कौन आई
तो एलसीएम इज इक्वल टू 6 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 3 तो 8 × 3 = 24 दुगुणे 48 है 288 10 तो आंसर हम 2880 ये भाला आमर एलसीएम तो एलसीएम सीना मिला 60 और 36 रो एलसीएम बाहर तो अब 0.6 9.6 एंड 0.36 एलसीएम कर लेले तो दुटा पॉइंट छाड़ी आम पॉइंट दवा तो आंसर हम 28.80 लिखिद आंसर है 28.80 तब हमें देखिया एच सी एफ एंड एलसीएम ऑफ अ फ्रैक्शन नंबर तो एच सी एफ एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन नंबर हम देखिया तो फर्स्ट हम देखिया एच सी एफ ऑफ फ्रैक्शन नंबर तो एच सी एफ फ्रैक्शन नंबर हो कौन ना एच सी एफ ऑफ फर्स्ट न्यूमिनेटर बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर आम जहाँ फ्रैक्शन काढ़ मान एच सी एफ फ्रैक्शन आम कौन काढ़ एच सी एफ काढ़ फ्रैक्शन नंबर एच सी एफ काढ़ तो फ्रैक्शन नंबर न्यूमिनेटर एच सी एफ जीव एंड डिनोमिनेटर एलसीएम जीव तबे हमें एग्जांपल देखिवा एग्जांपल हो कौन कौन तो एग्जांपल हो कौन कौन ना एग्जांपल नब आम 4.5 5/6 4/5 5/6 आउट है 7/15 तो ये मानकर आम कौन काढ़ ना एच सी एफ काढ़ तो फर्स्ट आम कौन करवा ना एच सी एफ ऑफ न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर मान किए किए 4/5/7 रो एच सी एफ काढ़ एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर किए ना 5/6/7 तो एच सी एफ ऑफ 4/5/7 एंड एलसीएम ऑफ 5/6/15 तो 4/5/7 एच सी एफ कम ए किसी भी कमन नहीं तो ये मानकर एलसीएम एच सी एफ ऑफ 1 आ एलसीएम है 5/6/15 कमन कौन 5/15 हो 3/6 होते कमन कौन आस ना एटी आंकर आस 30 तो मुझे काढ़ी दूँ फास्ट टी फास्ट काढ़ी दूँ 5/6 एलसीएम ये काढ़ फास्ट 5/6 एलसीएम तो 5/6 आ 15 एलसीएम 5/6 हो 15 एलसीएम तो 5/6/15 एलसीएम कर ले फर्स्ट 5 कर ले 1 एट 6 एट रे 3 तब 3 रे कर ले 1 2 1 तो ये आसीबो 30 तो इज इक्वल टू एचसीएफ हेला 1 तो एलसीएम हेला 30 तापर एबे हम देखिए एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन नंबर तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन नंबर हेला एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर तो एग्जांपल नंबर हमें तो एग्जांपल धर हमने ले 4/1/2 आउटला 3 आउटला 10/1/2 ताको पुन को फ्रैक्शन ने कले केते हला 9/2 3 9/2 3 आउटला 21/2 आउटला 21/2 तो 21/2 तेबे हमें कौन काढ़िया ना एलसीएम काढ़िया
the LCM. तो मैं एलसीएम कढ़ा तो एलसीएम हेल्ले फास्ट एलसीएम नवा कह रहा न्यूमेरेटर एलसीएम क्या क्या जीवन 9 3 आगे 21 9 3 21 और एचसीएफ जीव एचसीएफ जीव 2 3 तले 1 1 और 2 अगर गले फास्ट एलसीएम ऊपर एलसीएम गले के 9 3 और 21 एलसीएम आसीबो 63 और एचसीएफ आसीबो 2 1 2 रे एचसीएफ आसीबो 1 तो द आंसर इज 63 तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस नंबर तो हमें देखिए गोटे एग्जांपल तो एग्जांपल नबा में 12 आउ 45 तो एग्जांपल गले 12 आउ 45 न तो यंकर हम देखे एच सी एफ आउ एल सी एम कम हो तो फास्ट एम जी 3 रे 4 आउ 15 तो ये एल सी एम है 3 × 4 × 15 इज इक्वल टू 90 और एच सी एफ है एच सी एफ है 3 देखिए फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हो 12 एंड 45 तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है 12 × 45 तर एलसीएम है 3 × 4 × 15 है 18 आउ एच सी एफ है 3 एलसीएम है 3 × 4 × 15 180 आउ एच सी एफ है 3 तो एबे हमें देखिबा तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है केते प्रोडक्ट है 45 × 12 इज इक्वल टू केते तो 45 × 12 है 540 तो इज इक्वल टू 180 × 3 तो है टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू एचसीएफ आउ एलसीएम रो प्रोडक्ट अब हमें क्वेश्चन देखिए तो ये दे कौन एलसीएम ऑफ टू नंबर इज द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 225 एंड एच सी एफ हूँ 5 दे 1 नंबर इज 25 बोले आनंद नंबर आम जानू जो 2 नंबर कौन 2 नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एच सी एफ तो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एच सी एम लिखिया के 225 × 5 भाई के 25 तो अनदर नंबर आम कड़िया तो 5 रे 5 कटले 5 तो ये टाइप रे कटले 45 तो ये आंसर है जी 45 नम सेकंड क्वेश्चन की जिया तो सेकंड क्वेश्चन हो जी कौन ना तो सेकंड क्वेश्चन ला द एलसीएम ऑफ फॉर टू नंबर इज 1820 एंड दे आर एचसीएफ ऑफ 260 इफ 1 नंबर इज 130 देन द अदर नंबर के देला जी 1820 एंड एलसीएम हो जी दिटा नंबर एलसीएम हैला 1820 आउ एचसीएफ हो जी 26 देन गोटे नंबर हो जी 130 तो आ गोटे पचार
तो काट एटा टू तर आंसर आसो के 364 तो टू हेले एटी तो आसो 4 6 3 364। देन सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन दे प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर जो 170 हेले देन देयर एलसीएम केते तर प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर देख को प्राइम नंबर आमर एलसीएम कौन आसो ना को प्राइम नंबर सदा एलसीएम से दिजन प्रोडक्ट आउ एच सी एफ सदा आसो को प्राइम नंबर एच सी एफ सदा आसो वन एच सी एफ सदा आसो वन तो एठी एटी आंसर आसो से नंबर कारण प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर द को प्राइम नंबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम कारण से मानकर एच सी एफ वन आसो तमें नंबर आम क्वेश्चन देखिए द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज व्हेन डिवाइडेड बाय 12 16 एंड लीव्स रिमाइंडर 5 एंड 9 रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट नंबर इज डिवाइडेड हो सहित ना 12 बाय 6 एमती क्वेश्चन कौन ना फास्ट डिवाइडेड डिवाइडेड टू सब्ट्रैक्ट कर रिमाइंडर रिमाइंडर के मिली तो जोटा बाहर तो सीटा गोटे कन्स्टाट ना टी तो फास्ट आम डिवाइडेड डिवाइडेड हो 12 तो 12 रु रिमाइंडर कौन रहा ना 5 टी के आसला 7 सेमती पुणे थे 16 तार रिमाइंडर हो 9 तो ये आसला 7 तो फास्ट द रिक्वायर्ड नंबर हूँ आमर तो रिक्वायर्ड नंबर हूँ एलसीएम ऑफ 12 आउ 16 माइनस टी तो आम फास्ट एलसीएम ऑफ 12 आउ 16 एलसीएम काढ़ 12 आउ 16 एलसीएम हूँ 48 माइनस 7 तो ये आसला आंसर 41 तो जो दे गोटे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइडेड होते गोटे संख्या दे रिमाइंडर दे आम डिवाइडर रु रिमाइंडर को फेड़वा डिवाइडर रु रिमाइंडर को फेड़वा जो जोटा आमको मिल कन्स्टाटा से कौन ना एलसीएम ऑफ डिवाइडेड जो मैंने डिवाइडेड को से मानकर एलसीएम रु सब्ट्रैक्ट करा तो नेक्स्ट नंबर देखा द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 5 6 एंड लीव्स रिमाइंडर 1 2 3 रेस्पेक्टिवली ये से क्वेश्चन तो फास्ट आम डिवाइडेड कौन कौन दे 4 5 6 तो आम रिमाइंडर कौन कौन दे 1 2 3 तो ये समस्त रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर सारापर समस्ते कमन आर भी 3 यार भी 3 तो यार भी 3 तो रिक्वायर्ड नंबर हूँ आमर कौन तो रिक्वायर्ड नंबर हूँ एलसीएम ऑफ कार कौन ना 4 5 6 माइनस 3 तो एलसीएम ऑफ 4 5 6 केते तो एलसीएम ऑफ 4 5 6 हूँ 60 माइनस 3 इज इक्वल टू 57 आंसर है जी 57 फास्ट कौन करें ना डिवाइडेड जो मन होते से मानकर रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर रिक्वायर्ड नंबर आसो एलसीएम ऑफ द डिवाइडेड देन जहाँ तुम सब्ट्रैक्ट बाहर थी से नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 10 लीव्स रिमाइंडर ऑफ 9 एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स रिमाइंडर 8 एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 8 लीव्स रिमाइंडर 7 नंबर ये डिवाइडेड कौन देला ना 10 तो रिमाइंडर के 9 जितने से 9 ने डिवाइड कर रिमाइंडर आस 8 और जो 8 रे डिवाइड कर रिमाइंडर आस 7 तो पचार कौन मानने 9 10 8 एमती कौ गोटे संख्य डिविजिबल करेंगे जोटा कि
ତାଙ୍କର ରିମାଇଣ୍ଡର କ'ଣ ଆସିବ, ଦଶରେ ଡିଭାଇଡ଼ କଲେ ରିମାଇଣ୍ଡର 9 ଆସିବ, 9ରେ ଡିଭାଇଡ଼ କଲେ ରିମାଇଣ୍ଡର 8 ଆସିବ, 8 ଡିଭାଇଡ଼ କଲେ ରିମାଇଣ୍ଡର 7 ଆସିବ। ତ ଏଠି ସେମିତି ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର କ'ଣ ଆସିବ ନା ଏଲ୍ସିଏମ୍ ଅଫ୍ 10, 9 ଆଉ 8 ମାଇନସ୍ 1। ତ ଏଠି ଏଲ୍ସିଏମ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଆଙ୍କର ଆସିବ 360 ମାଇନସ୍ 1 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 359। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଏଲ୍ସିଏମ୍। ତ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ ନମ୍ବର ହୁଇଚ୍ ହୁଏନ୍ ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ ବାଇ ଦ ନମ୍ବର 3, 5, 6, 8, 10 and 12 ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ଇଚ୍ କେସ୍ ରିମାଇଣ୍ଡର 2, ବଟ୍ ହୁଏନ୍ ଡି ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ ଇନ୍ 30 ଲିଭ୍ସ ନୋ ରିମାଇଣ୍ଡର। ସେ ଦେଲା ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଉଥିବ ଯେଉଁଟା ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ ହେଉଥିବ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା 3 ଦ୍ୱାରା, 5 ଦ୍ୱାରା, 6 ଦ୍ୱାରା, 8 ଦ୍ୱାରା, 10 ଦ୍ୱାରା ଆଉ 12 ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ସିଏ ରିମାଇଣ୍ଡର କ'ଣ ଦେଉଥିବ ନା ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ ହେଇକି ବି ରିମାଇଣ୍ଡର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିମାଇଣ୍ଡର 2 ଦେବେ, ଆଉ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟା 13 ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ ହେବ ଆଉ ତା'ର ରିମାଇଣ୍ଡର 0 ହେବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କାଢ଼ିବା ଏଲ୍ସିଏମ୍ ଅଫ୍ କାହାର କାହାର ନା 3, 6, 8, 10 ଆଉ 12। ସିକ୍ସ 3, 6, 8, 10 ଆଉ 12ରେ ଆମେ ଏଲ୍ସିଏମ୍ କାଢ଼ିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ 3 8 8 10 12ରେ ଆସିଲା 4। ତ ନେଇଯାଉ 4ରେ, ତ 1, 2, 2, 10, 1। ତା'ପରେ 2ରେ ଗଲେ 1, 1, 1, 5। ତାଙ୍କର ଏଲ୍ସିଏମ୍ କ'ଣ ଆସିବ, ତ ଏଲ୍ସିଏମ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3 × 4 × 2 × 5। ଏତକ ଆମେ ରିମୁଭ୍ କରିଦେବା, ତମେ ଏଠି ଏଲ୍ସିଏମ୍ କାହାର କାହାର କାଢ଼ିଲେ ନା ଏଠି 3, 5, 6, 8 ଆଉ 12ର ଏଲ୍ସିଏମ୍ କାଢ଼ିଲେ କେତେ ବାହାରିଲା ଆମର 3 × 4 × 2 × 5। ତାର ଏଲ୍ସିଏମ୍ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଏଲ୍ସିଏମ୍ ହେଉଛି 120। ଏଲ୍ସିଏମ୍ ହେଲା 120। ତମେ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଏଲ୍ସିଏମ୍ ହେଲା 120। ତ ଏଲ୍ସିଏମ୍ 120 ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ ଲିଭାଇଦେବା। ତ ଏଲ୍ସିଏମ୍ 120 ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଯେ ରିମାଇଣ୍ଡର ଆମର 2 ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ବଳିବ, ତ ଆମର ଆମେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା କାଢ଼ିବା ସେଇଟା ଆମର ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ହେବ 13 ସହିତ। ତ ଆମର ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ହେଉଛି, ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ହେବ କ'ଣ ନା 120x+2, ଆଉ ଏଇଟା ଡିଭିଜିବୁଲ୍ କାହା ସହିତ କରିବ ନା ଆମର ଏଇଟା 13 ସହିତ ଡିଭିଜିବୁଲ୍ କରିବ, 13 ସହିତ ଏଇଟା ଡିଭିଜିବୁଲ୍ କରିବ। ତ ଏବେ ଆମେ କେମିତି, ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା 120x କୁ ଆମେ 13ରେ ଭାଙ୍ଗିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା 120କୁ 13ରେ ନେବା, ତ 13 ହେଲେ କେତେ ଆସିବ ନା 13 ନୂଆ 1 and 7 ଆସିବରି, ତ ରିମାଇଣ୍ଡର ବଳିବ 3, ରିମାଇଣ୍ଡର ବଳିବ 3। ତମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବା 13 × 9x+3x+2। ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ 13 × 9x ଏଇଟା ତ 13 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନେ ଯେ 3x+2 ଆମର 13 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ହେବ କି ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା 3x+2କୁ ଆମେ 3x+2ଟା ଆମର 13 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ହେବା ଦରକାର। ଦେଖ ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ମନେ ପକାଇବା, 1, 2, 3, 4 ଏମିତି ପକାଇ ପକାଇଯାଏ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ 1 ପକାଇଲେ 1 ହେଉନି, 2 ନା, 3 3 9 10 11 ନା, 3 4 4 4 3 12 13 14 ନା, 5 15 2 17 ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ହେଉନି 13 ସହିତ, 5 ପରେ 6 6 36 18 19 20 13 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ନୁହଁ,
सिक्स पर सेवेन, सेवेन सतरी एक बैस तेईस थर्टिन द्वारा डिविजिबल न तो एट, तो एट आठ तीन चबीस पचीस छब्बीस, तो छब्बीस हूँ आम थर्टिन द्वारा डिविजिबल, तो ये आम एक्स कौन टेक करा ना एक्स हूँ एट, तो ये एक्स आमको मिलगला एट, ये आमको एक्स मिला एट, तेरे आमर रिक्वायर्ड नंबर कौन हम, तो रिक्वायर्ड नंबर हूँ आमर आम रिक्वायर्ड नंबर हूँ कौन ना वन ट्वेंटी एक्स प्लस टू, आमको एक्स मिलगला एट एथर, तेरे आम वन ट्वेंटी इंटू एट प्लस टू के आस नाइन सिक्स जीरो प्लस टू इज इक्वल टू नाइन सिक्स टू, तो नौश बासठ हूँ आंसर। द फर्स्ट टाइम कौन कर ना जो ये आंसर हूँ नौश बासठ, तो फर्स्ट आम कौन कले ना फर्स्ट जो लिस्ट नंबर काढ़िया को फर्स्ट आम से एलसीएम काढ़े, एलसीएम काढ़ दे एलसीएम काट सारापर जदि आम से पचार था से रिमाइंडर टू, तो आम खाली एलसीएम रे प्लस टू करके क्वेश्चन सेट सर था, कि क्वेश्चन पचार जे थर्टिन द्वारा डिविजिबल हे रिमाइंडर किसी बलबन मैं थर्टिन द्वारा डिविजिबल हे, तो से रिक्वायर्ड नंबर कौन हम ना जी एलसीएम इंटू एक्स प्लस टू, तो यहाँ आम थर्टिन द्वारा डिविजिबल हम, तो ये आम वन ट्वेंटी को थर्टिन में भाग थर्टिन द्वारा मैं पार्ट पार्ट कर, तो थर्टिन में पार्ट कर थर्टिन इंटू नाइन एक्स प्लस थ्री एक्स बाहर प्लस टू, तो थर्टिन इंटू नाइन एक्स तो थर्टिन द्वारा डिविजिबल हो कारण से थर्टिन अच्छी कि थ्री एक्स प्लस टू रे थर्टिन ना, तो ये आम थर्टिन द्वारा डिविजिबल हेनी, तो आम ये थ्री एक्स प्लस टू रु थर्टिन काढ़िया, तो आम थ्री एक्स प्लस टू रु जो आम थर्टिन काढ़िया आम ये एक्स जगह गोटे आड़ मूल्य पक वन टू थ्री फोर आम जानते चार तीर बार तीन तीन नौ, तो चार तीर बार बार पर वन टू तेरह चौदह, तो सेमती गोटे आड़ पकई दे चार पाँच छः सात आठ, तो आठ पकड़े आम ट्वेंटी सिक्स, तो यहाँ थर्टिन द्वारा डिविजिबल, तर एक्स आमको मिलगला आठ, तो आम रिक्वायर्ड नंबर हूँ वन ट्वेंटी एक्स प्लस टू, तो वन ट्वेंटी इंटु एट प्लस टू है नौश षाठी प्लस दुई हो नौश बासठ, तो आउ गोटे ये यहाँ आम फास्ट जो दे फास्ट एंड सेकेंड नंबर प्रडक्ट इज इक्वल टू एच सी एफ आउ एलसीएम प्रडक्ट, तो ये आमको एच सी एफ एलसीएम पचारे ना ये आमको एलसीएम पचार दजार अनाशी आउ एच सी एफ पचार ट्वेंटी सेवेन, तो गोटे नंबर देचु वन एट नाइन, देखो वन एट नाइन ट्वेंटी सेवेन कटुच्छे सेवेन, तो ये आमर सेवेन कटो सात सात गुणी चौदह, तो ये टू नाइन सेवेन, तो ये आसीज आंसर हूँ आमर टू नाइन सेवेन, तो ये किसी करार ना, तो तुम मानी होमवर्क द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दि हजार अठाईस हेले दे आर एच सी एफ जदि थर्टिन देला देन द सच पेयर अफ केते पेयर अफ नंबर काढ़ आमे पछ क्लास रे देखिबा नहले ए सॉरी आगो क्लास रे देखिबा, तो एलसीएम हो जी फ्रैक्शन एलसीएम काढ़ दे जी फ्रैक्शन एलसीएम केमती बाहर ना न्यूमेरेटर एलसीएम न्यूमेरेटर आमे एलसीएफ नवा आ डिनोमिनेटर आमे एच सी एफ नवा, तो देला फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच इज व्हेन डिवाइडेड सेपरेटली फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स एंड थर्टी सिक्स एंड फोर्टी एट, तो लिव विथ थ्री आज अ रिमाइंडर इन इच केस, ये रिमाइंडर इच केस बढ़े ये थ्री आमर कौन हम प्लस हम आम एलसीएम काट सारापर थ्री प्लस हम, तो द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड एटीन ट्वेंटी सेवेन थर्टी सिक्स सेपरेटली लिव द रिमाइंडर फाइव फोर्टीन एंड ट्वेंटी थ्री, फास्ट आवर थ्रू फाइव फोर्टीन ट्वेंटी थ्री कौन हम ना डिवाइडेड रू रिमाइंडर फेड़ा हो तापर आंसर बाहर, तो थैंक यू फॉर वाचिंग।